टिबेट 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला पर्वतीय क्षेत्र जो ज्यादातर टिबेटन प्लेट्यू को कवर करता है। यह धरती का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जो हिमालय में स्थित है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एंशिएंट टाइम्स से टिबेट में महायाना और वज्रयाना बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। इनकी ज्यादातर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नॉर्थ इंडिया से प्रभावित हैं। दोस्तों, हमेशा से ही टिबेट बेहद रहस्यमय रहा है। यहाँ सीक्रेट स्पिरिचुअल और तांत्रिक प्रैक्टिसेस की जाती हैं और एक से बढ़कर एक एडवांस बींग्स रहते आए हैं। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान नाजीज ने यहाँ दो बार एक्सपीडिशंस किए। आखिर वो टिबेट में क्या खोज रहे थे? टिबेट का रेनबो बॉडी फिनोमिनन क्या है जिसे दुनिया भर के लोग जानना चाहते हैं? और टिबेट के शमंस के पास कैसे सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं? जानने के लिए एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। मरने के बाद जीव की आत्मा आखिरकार जाती कहाँ है? ये सवाल उतना ही पुराना है जितनी हमारी सिविलाइजेशन। इस सवाल का सटीक जवाब शायद टिबेटन बुद्धिज्म में मिलता है। टिबेटन लामा की मृत्यु के समय उसके भौतिक शरीर का रेनबो में तब्दील होना एक ऐसा मिस्टिकल फिनोमिनन है जो लोगों को टिबेट जाकर एसेंस ऑफ लाइफ की खोज के लिए प्रेरित करता है। रेनबो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टिबेटन बुद्धिज्म की एक ऐसी प्रैक्टिस को कहा जाता है जिसमें निर्वाण पा चुके बुद्धिस्ट मंक का शरीर मृत्यु के समय एक रेनबो का रूप ले लेता है और वो मंक हमेशा के लिए इस धरती के जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये एक रंगीन दृश्य होता है जो कोई लेजेंड नहीं बल्कि ना जाने कितने ही लोगों ने इस फिनोमिनन को विटनेस किया है। यह 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई। चाइना के दूसरे हिस्सों की तरह ही जब वो टिबेट में एंटर हुए उन्होंने नास्तिकता को प्रमोट करना शुरू कर दिया, लेकिन टिबेट के लोगों की बुद्धिज्म और बुद्ध में आस्था कम्युनिस्ट पार्टी की सोच पर भारी पड़ गई। टिबेट में तैनात सीसीपी ऑफिशियल्स ने भी इस रेनबो बॉडी फिनोमिनन को विटनेस किया और वो इसे देखकर शॉक्ड थे। जब सीसीपी ऑफिशियल्स ने टिबेट का कंट्रोल अपने हाथों में लिया तब दर्जनों लामास ने अपने शरीर का त्याग रेनबो बॉडी में तब्दील होकर कर दिया और अनगिनत लोगों को हैरानी में डाल दिया। यह 1952 टॉप मिलिट्री ऑफिसर जैंग गोहुआ को एक बूढ़े बुद्धिस्ट मंक का संदेश मिला कि वो अगले दिन टिबेट को छोड़ने वाले हैं। जैंग दूसरी सुबह उनसे मिलने पहुंचे। वहां वो मॉन्क हॉल के बीचों बीच बैठे हुए थे। कुछ बुद्धिस्ट वहां पहुंचे और मॉन्क के आसपास बैठ गए। जैंग मॉनेस्ट्री के बाहर से उन्हें देख रहे थे और उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो देखकर दंग रह गए कि मॉन्क अपनी सीट से हवा में उठा और धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर बैठ गया। तीसरी बार जब वो हवा में उठा तो बिजली कड़कने की एक तीव्र आवाज सुनाई दी और वो मंक जैसे हवा में गायब हो गया। मंक के पीछे लाल धुंध रह गई जो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गई। जैसे ही उनकी नजर आसमान पर पड़ी तो वहां बेहद खूबसूरत रेनबो मौजूद था। 28 अगस्त 1998 को एक तांत्रिक प्रैक्टिशनर अपने डिसाइपल्स को कुछ सीक्रेट इंस्ट्रक्शन देने के बाद अपने शरीर का त्याग करके चले गए। मृत्यु के समय उनके हाथ में माला थी। शाम के 7 बजे उनके डिसाइपल्स ने देखा कि उनके मास्टर की बॉडी से रिंकल्स एकदम गायब हो चुके हैं और उनकी त्वचा एक छोटे बच्चे के जैसी नर्म हो चुकी है। उनका शरीर थोड़ा श्रिंक भी हो चुका था। लामास के रिचुअल्स के अनुसार मास्टर के शरीर को 7 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। दिन पर दिन लामा का शरीर श्रिंक होता गया और 7वें दिन उनके डिसाइपल्स देखकर हैरान थे कि उनका पूरा शरीर गायब हो चुका था। मोनेस्ट्री के पास रह रहे लोगों ने उस दौरान एक कलरफुल रेनबो देखा जो मास्टर की रूफ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, बुद्धिज्म में रेनबो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के 3 लेवल्स बताए गए हैं जो कि व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर के अनुसार घटित होते हैं। हाइएस्ट लेवल में लामा की बॉडी श्रिंक होती जाती है और फिर वो रेनबो में तब्दील हो जाती है। दूसरे लेवल में बॉडी तुरंत ही एक तेज आवाज के साथ हवा में गायब हो जाती है और अपने पीछे नाखून छोड़ जाती है। तीसरे लेवल में शरीर थोड़ा श्रिंक होकर स्टील की तरह ठोस हो जाता है और उनके शरीर पर टैप करने से आवाज गूंजने लगती है। यह 1938 में हाइनरिक हिमलर ने टिबेट में कुछ एक्सपीडिशन सेटअप किए। इस टीम में बॉटनिस्ट, डॉक्टर्स,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट और कुछ दूसरे स्पेशलिस्ट भी शामिल थे। यहाँ सेटल होते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो टिबेट के अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें लेते, लोगों की नाक से स्कल तक की लेंथ को एक्यूरेसी से नापते, टिबेट के लोगों की आई और हेयर कलर नोट करते और इसी तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे थे। जर्मनी पहुंचने के बाद टीम ने हिमलर को सारी डिटेल्स दी और बताया कि टिबेट में एक मिस्टिकल केव मौजूद है जो एक मैजिकल सिटी शंभाला का रास्ता है। शंभाला के अंदर दुनिया का एक्सेस और समय का कंट्रोल मौजूद है। इस जादुई जगह पर जाकर दुनिया के समय को फ्यूचर या पास्ट में ले जाना संभव है और जो भी वर्ल्ड के एक्सेस तक पहुंचने में कामयाब होगा वो दुनिया को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता है। 1943 में नाजीज की 6th आर्मी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और भविष्य में आती हार को देखकर हिमलर ने टिबेट की बातें हिटलर को बताई और हिटलर ने तुरंत ही एक स्पेशल टीम टिबेट की ओर रवाना कर दी। हजारों सोल्जर्स को शंभाला की खोज में भेज दिया गया। हिटलर चाहता था कि शंभाला में एंटर करके वो वर्ल्ड के एक्सेस को कंट्रोल करे और समय को कुछ साल पीछे ले जाकर फिर युद्ध की शुरुआत करे और युद्ध में हुई सारी गलतियों को ना दोहराए। दोस्तों, ये शंभाला एक ऐसा मिस्टिकल किंगडम है जिसके बारे में एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में जानकारी मिलती है। साथ ही हाईली एडवांस स्पिरिचुअल मंक्स और योगीज इस जगह को एक्सप्लोर कर चुके हैं। यहाँ एक से एक प्राचीन ऋषि मुनि और तपस्वी रहते हैं जिनके हाथ में इस धरती का पूरा नियंत्रण है। ये लोग स्पिरिचुअली एडवांस्ड और पवित्र लोगों को अक्सर दर्शन देते आए हैं और उन्हें इस धरती के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा भी दिलवाते रहे हैं। दोस्तों, टिबेट में हमेशा से शमंस भी एग्जिस्ट करते आए हैं जिनका जीवन और प्रैक्टिसेस काफी रहस्यमयी होती हैं। टिबेट में शमंस अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के जरिए दूसरी दुनिया की स्पिरिट से संपर्क करते हैं, उन्हें खुश करके वो अपनी दुनिया में लाते हैं और उनसे अलग अलग तरह के काम करवाते हैं जो आम इंसान के लिए संभव नहीं होता। शमन स्पिरिट्स की मदद से बीमार लोगों को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। वो दूसरी जगत की आत्माओं से संपर्क करने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को अल्टर करते हैं और ट्रांस स्टेट्स में जाते हैं। साथ ही वो ट्रांस में जाकर दूसरे जगत से अपनी कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, खास तौर पर भविष्य में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं। शमंस के पास प्रेत आत्माओं से परेशान लोगों को ठीक करने की क्षमता भी होती है। ये लोग खास तरह के रिचुअल्स करके लोगों को ट्रांस की स्टेट्स में भेजकर उनके अंतर्मन में छुपे हुए डर और तकलीफों की मेमोरीज को भी इरेज करवा सकते हैं। टिबेट में मान्यता है कि शमंस खास मौकों पर कुछ डिवाइन स्पिरिट्स को अपने शरीर में प्रवेश करवाकर लोगों के सवालों के जवाब देते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।